नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और नए नए वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। स्टोरी का टाइटल है द रियल प्रिंसेस। द जब किसी चीज़ पे महत्व दिया जाता है, मीन्स किसी खास चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो कि सिर्फ एक है, तो उससे पहले द का यूज़ होता है। और रियल मतलब होता है सच, सही का, असली। रियल मतलब असली। और प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी। द रियल प्रिंसेस, द रियल मीन्स असली राजकुमारी। असली राजकुमारी। अब असली राजकुमारी की स्टोरी क्या है, अब वो आगे पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ क्वीन रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। एक क्वीन, एक रानी, रूल्ड, रूल्ड मतलब होता है शासन, ओवर ऊपर मतलब शासन करना, रूल्ड ओवर मतलब शासन करना, एक लार्ज बहुत बड़े किंगडम, बहुत बड़े राज्य पर। और एक समय की बात है कि एक रानी थी जो बहुत बड़े राज पे राज करती थी, शासन करती थी। शी हैड ओनली वन सन हु वॉज द वुड बी रूलर ऑफ द किंगडम। शी व हैड, हैड मतलब उसके पास, ओनली सिर्फ, वन एक सन एक लड़का, हु जो वॉज था, द वुड बी, वुड मतलब ये वुड बी का मतलब है कि इन फ्यूचर में होने वाला, भविष्य में होने वाला रूलर, शासक ऑफ का, द किंगडम राज्य का। और उसके पास सिर्फ एक सन था, एक लड़का था जो भावी मतलब जो आगे चल के उस राज्य का शासक होने वाला था, रूलर मतलब शासक, राजा होने वाला था। द प्रिंस वॉज टॉल हैंडसम यंग मैन नाउ। द प्रिंस राजकुमार वॉज था एक एक टॉल लंबा, हैंडसम, हैंडसम मतलब होता है आकर्षक, मीन्स अट्रैक्टिव मतलब सुंदर था। यंग युवा, मैन आदमी, नाउ अब, और वो जो राजकुमार था बहुत ही लंबा आकर्षक युवा आदमी था जो अब हो चुका था, मीन्स अब वो बहुत ही हैंडसम हो चुका था क्योंकि वो पहले छोटा था, अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उस तरह राजकुमार भी अब बड़ा हो चुका था। सो द क्वीन थॉट ऑफ गेटिंग हिम मैरिड। सो इसलिए द क्वीन रानी ने थॉट मतलब सोचा ऑफ का गेटिंग, गेटिंग मतलब होना, हिम उस राजकुमार को मैरिड शादीशुदा। और जबकि राजकुमार बड़ा हो चुका था तो इस वजह से रानी ने सोचा कि क्यों ना इसकी मतलब शादी कर दी जाए। बट शी वॉन्टेड टू हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रिंसेस एज हर डॉटर इन लॉ। बट लेकिन शी व वॉन्टेड चाहता था टू हैव, सॉरी चाहती थी, टू हैव, हैव मतलब पाना, रखना मतलब आशा करना, द मोस्ट, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रिंसेस राजकुमारी, जैसा कि हर अपने डॉटर इन लॉ बहू के रूप में। और जो क्वीन थी वो अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और वो चाहती थी कि उसे मतलब बहुत सुंदर सी, सबसे सुंदर राजकुमारी मिले एज हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू के रूप में, मतलब उसे एक बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर बहू चाहिए थी। सेवरल प्रपोजल केम From different royal houses for the prince. Several, several मतलब कई,
मतलब बहुत ज्यादा प्रपोजल्स, प्रपोजल्स मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल्स मीन्स प्रस्ताव, केम आए फ्रॉम से डिफरेंट, मतलब डिफरेंट मतलब तरह तरह के अनेक रॉयल शाही हाउसेस, मतलब बहुत डिफरेंट मतलब तरह तरह के शाही घरों से, फॉर लिए द प्रिंस राजकुमार के लिए, और कई प्रपोजल आए राजकुमार की शादी के लिए तरह तरह के शाही घरों से। बट नो प्रिंसेस कुड मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वीन। बट लेकिन नो कोई नहीं प्रिंसेस राजकुमारी कुड, कुड मतलब सकना, यहाँ पे पास्ट टेंस है, सकना सकती थी मीट मिलना द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है मापदंड, क्षमता, स्टैंडर्ड मतलब मापदंड, क्षमता, मानक ऑफ का द क्वीन रानी की। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है कि लेकिन कोई राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी, मतलब कि रानी के जो मापदंड था, जो रानी का स्टैंडर्ड था, उसके बराबर की थी, मतलब कोई भी राजकुमारी रानी के मापदंड में खरी नहीं उतरी, मतलब सभी रानी से कम थी, रानी थी जैसी बहू चाहिए थी उस तरह के मापदंड से वो जो सारी राजकुमारियां थी वे सब कम थी। जैसी क्वीन अपनी बहू ढूंढ रही थी, जैसी उसने सोच बना रही थी कि मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, और उस मेंटेलिटी से जो जितनी भी राजकुमारियों को रानी ने देखा वे सभी कम लगी, मतलब उसकी मेंटेलिटी में जो राजकुमारी थी वैसी राजकुमारी उसने नहीं पाया। द वर्ड वेंट अराउंड दैट द क्वीन हैड रिजेक्टेड अ नंबर ऑफ प्रिंसेस। द वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, वेंट चले गए अराउंड चारों ओर, दैट की क्वीन राजकुमारी, सॉरी रानी, हैड रिजेक्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस है, रिजेक्टेड अस्वीकार कर दिया, एक नंबर संख्या ऑफ प्रिंसेसेस, मतलब कि राजकुमारियों की एक बहुत मतलब बहुत सारी राजकुमारियों को रानी ने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ये बात चारों ओर फैल गई। सो अ चार्मिंग ब्यूटिफुल प्रिंसेस डिसाइडेड टू मीट द क्वीन। तो इसलिए एक चार्मिंग, चार्मिंग मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल सुंदर प्रिंसेस राजकुमारी डिसाइडेड निर्णय लिया टू मीट मिलने के लिए द क्वीन राजकुमार रानी से। और जब एक राजकुमारी ने सुना कि एक ऐसी रानी है जो सभी राजकुमारियों को रिजेक्ट कर दे रही है, मतलब उसके बराबर का कोई भी राजकुमारी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ही कुछ एक राजकुमारी के कान में ये उड़ती उड़ती खबर गई। तो वो जो राजकुमारी थी उसने तय किया कि वो अब रानी से मिलेगी। She wanted to know that what type of girl the queen wanted to go for. She वह wanted चाहती थी to know, know means जानने के लिए, to know मतलब जानने के लिए, to know means जानने के लिए, that की what क्या type प्रकार of का girl लड़की क्वीन राजकुमारी wanted चाहती है to go for मतलब के लिए जाने के लिए। और इस सेंटेंस का मतलब है कि राजकुमारी जानना चाहती थी कि किस प्रकार की लड़की रानी को चाहिए, मतलब कैसी कैसी राजकुमारी रानी को चाहिए, कैसी बहू उन्हें चाहिए, इस चीज को वो जो राजकुमारी थी जानना चाहती थी। सो सी मेड अप हर माइंड टू गो पर्सनली एंड सी। सो इसलिए सी वह मेडअप, मेडअप मतलब बनाना, मन बनाना, सॉरी मेडअप मतलब बनाना हर अपना माइंड, अपना दिमाग को, अपने मन को। सी मेडअप हर माइंड मतलब उसने अपना मन बनाया, अपने दिमाग को बनाया, अपना मन बनाया टू गो जाने के लिए पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब खुद जाके वो मिलेगी, पर्सनली मतलब खुद जाके मिलेगी। एंड और सी देखेगी
द क्वीन रानी को, और जो राजकुमारी थी उसने मन बनाया कि वो खुद जाके रानी से व्यक्तिगत रूप से मिलेगी, खुद अपने आप से जाके उनसे मिलेगी। द प्रिंसेस सेंड अ मैसेज टू द क्वीन अहेड ऑफ हर डिपार्चर। द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, सेंड मतलब भेजा, एक मैसेज, एक संदेश भेजा टू द क्वीन रानी को एक संदेश भेजा। अहेड मतलब होता है आगे, ऑफ मतलब से, हर अपने डिपार्चर मतलब जाने से, डिपार्चर मतलब राजकुमारी से, रानी से मिलने से, मिलना मतलब डिपार्चर मतलब जाने के लिए। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जो राजकुमारी थी उसने मैसेज भेजा क्वीन को, रानी को, उसके जाने से पहले, मतलब जब अपने राज से निकलने से पहले ही उसने क्वीन को एक संदेश भेज दिया कि वो राजकुमारी क्या उनसे मिलने आ रही है। तो अहेड ऑफ हर डिपार्चर मतलब उसके जाने से पहले, मतलब राजकुमारी के जाने से पहले राजकुमारी ने मैसेज भेज दिया क्वीन को। So the queen got a beautiful room in the palace ready for her to stay. So इसलिए queen रानी ने got मतलब होता है पाना, got मतलब होता है पाना, मिलना, एक ब्यूटीफुल सुंदर रूम, एक कमरा, इन में द पैलेस महल में, रेडी तैयार करवाया, रेडी मतलब तैयार करना, फॉर लिए हर राजकुमारी के लिए, टू स्टे रुकने के लिए। और जब जो रानी थी उसे संदेश मिला कि एक राजकुमारी रानी से मिलने आने वाली है, तो उन्होंने एक कमरा तैयार करवाया उस राजकुमारी के लिए वहाँ रुकने के लिए। जैसे मेहमान आते हैं तो उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया जाता है, उसी प्रकार रानी ने भी उस राजकुमारी को रुकने के लिए एक कमरा तैयार करवाया। When the princess reached the palace, she was led to the room meant for her. When जब प्रिंसेस राजकुमारी रीज्ड पहुंची द पैलेस महल में पहुंची, सी वह ले गया गया टू द रूम रूम में कमरे में ले गया गया राजकुमारी को, मींट मतलब फॉर लिए हर मींस मतलब कि जो उसके लिए बनाया गया था उस कमरे में राजकुमारी को ले आया गया। The queen wanted to know how sensitive the princess was. राजकुमारी wanted चाहती थी to know जान sorry रानी queen means रानी wanted चाहती थी to know जानना how कैसे sensitive means होता है संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, नाजुक, भावुक द प्रिंसेस राजकुमारी वॉज थी। और जो रानी थी वो जानना चाहती थी हाउ सेंसिटिव मतलब कितनी संवेदनशील, हाउ मतलब कितनी संवेदनशील, हाउ मतलब कैसे होता, पर इस सेंटेंस में हाउ का सेंस, हाउ मतलब कितनी संवेदनशील है राजकुमारी, मतलब कितनी संवेदनशील वो राजकुमारी थी, मतलब वो रानी जानना चाहती थी कि कितनी नाजुक है, कितनी संवेदनशील है। सो सी लेड टू ग्रीन पीस ऑन द बेड मींट फॉर द प्रिंसेस। सो इसलिए सी वह लेड मतलब लिटा दिया, डाल देना, टू दो ग्रीन हरे पीस मतलब होता है मटर के दाने, और उसने दो ग्रीन पीस डाल दिए ऑन पर द बेड उस बेड पर, मिंट मतलब फॉर लिए द प्रिंसेस राजकुमारी के लिए, जो बेड राजकुमारी के सोने के लिए बनाया गया था उसी में उसने दो ठो ग्रीन पीस मतलब दो मटर के दाने डाल दिए। ओवर ऊपर द पीस मटर के ऊपर, वेयर थे स्प्रेड फैले हुए 20 मैट्रेसेस
मैट्रिसेस मतलब गद्दे, और उस जो मटर के दाने, दो मटर के दाने उस बेड के नीचे रखे गए थे उसके ऊपर 20 गद्दों गद्दे रख दिए गए, मतलब मटर का दाना नीचे और मटर के दाने के ऊपर 20 गद्दे रखे हुए थे। प्रिंसेस ले ओवर द मैट्रेस एट नाइट, राजकुमारी ले लेट गई ओवर ऊपर द मैट्रेस गद्दे के ऊपर एट नाइट रात में, गद्दे के ऊपर रात में वो लेट गई। बट शी कुड नॉट स्लीप एट पीस, परंतु लेकिन शी व कुड नॉट सकती थी, कुड नॉट मतलब नहीं सकती, सॉरी नहीं सकती थी, स्लीप सो सकती थी एट एट मतलब पर पीस शांति से, और वो उस गद्दे पर शांति से सो नहीं पा रही थी। जैसे कि हम किसी गद्दे पे सोते हैं या किसी बेड पे सोते हैं तो हम एडजस्ट नहीं होते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो राजकुमारी थी वो भी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी उस बेड पे। द टू पीस केप्ट गिविंग हार्ड फीलिंग इवन थ्रू द 20 मैट्रेस टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। द टू दो पीस मटर के दाने केप्ट जो रखे हुए थे गिविंग दे रहे थे हार्ड, हार्ड मतलब होता है मुश्किल, मतलब कड़ा महसूस हो रहे थे, फीलिंग फीलिंग मतलब महसूस करना भावना, इवन भी थ्रू थ्रू मतलब माध्यम से द 20 मैट्रेसेस 20 जो गद्दे थे उनके उनके नीचे से टिल जब तक कि द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब जब तक कि अगली सुबह नहीं हुई। कह रहा है कि दो मटर के दाने जो रखे हुए थे गिविंग दे रहे थे बहुत ही मतलब मुश्किल पैदा कर रहे थे, इवन थ्रू द इवन थ्रू मतलब 20 गद्दे रखे हुए थे तब भी वे जो मटर के दाने उसे चुभ रहे थे टिल जब तक कि सुबह नहीं हुई, अगली सुबह नहीं हुई है। जो मटर के दाने रखे हुए थे राजकुमारी को सोने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उन्हें राजकुमारी को चुभ रहा था। When the princess woke up, her body was aching all over. When जब राजकुमारी woke up जगी, woke up ने जगी, her उसकी body उसका शरीर was था aching, aching मतलब दर्द होता है, तो सभी over चारों ओर, और जब वो सो के उठी तो उसका body मीन्स पूरा body होल body दुख रहा था, दर्द हो रहा था। Here and there could be seen bluish bruises on the delicate back of her princess. Here, यहाँ and or there, वहाँ could be मतलब सकता हो सकता था, seen दिख सकते थे, bluish bluish मतलब नीले, bruises bruises मतलब होता है चोट घाव, on पर डेलिकेट डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, बैक कमर ऑफ का द प्रिंसेस राजकुमारी का। और ये कह रहा है कि हम लोग मतलब देख हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ कुड बी सीन दिख सकते थे, यहाँ वहाँ दिख सकते थे ब्लूश नीला ब्रिसेस मतलब घाव ऑन द डेलिकेट नाजुक बैक पे नाजुक कमर पे राजकुमारी के, मतलब उसे सोने में दिक्कत हुई, वो ठीक से सो नहीं पाई और इस वजह से मटर के दानों के वजह से उसके कमर पे उसकी बैक पर नीले कलर के चोट मतलब नीले धब्बे दर्द के घाव के धब्बे दिख रहे थे राजकुमारी के। Seeing this, the queen accepted the princess as a suitable bride for the young prince. Seeing this, seeing मतलब देखकर, this यह the queen राजकुमारी accepted sorry queen queen मतलब रानी, the queen रानी accepted स्वीकार कर ली the princess राजकुमारी को as a मतलब रूप में suitable suitable मतलब होता है उपयुक्त लायक उचित bride दुल्हन के रूप में for लिए the young युवा prince युवा राजकुमार के लिए, मतलब इतनी इसकी नाजुकता को देखकर रानी ने राजकुमारी को अपने राजकुमार के लिए अपने लड़के के लिए उपयुक्त दुल्हन समझा और उस राजकुमारी को पसंद कर लिया। यहाँ पे मॉरल दिया हुआ है ब्यूटी इज गॉड्स रेयरेस्ट गिफ्ट, ब्यूटी मतलब सुंदरता इज है गॉड भगवान की, इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा मीन्स भगवान का, रेयरेस्ट रेयरेस्ट मतलब होता है दुर्लभ
नायाब गिफ्ट तोहफा, जो सुंदरता है खूबसूरती है भगवान का सबसे दुर्लभ गिफ्ट है, दुर्लभ उपहार है, नायाब उपहार है। सो इस कहानी में जो रानी थी अपने लड़के के लायक उसे राजकुमारी चाहिए थी, जो कि आखिर में उसकी तलाश खत्म हो गई और उसके लड़के के लायक ऐसी राजकुमारी मिल गई। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।